आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hi guys, welcome to DoubtNet. Question is, a world is represented by only one set of number as given in any of the alternatives. The set of the number given in the alternatives are represented by two classes of alphabet as shown in the given two matrices. The column and the row of matrix first are number from 0 to 4 and that of matrix second are number from 5 to 9. A letter from these matrices can be represented first by its row and next by its column. From example, J can be represented by 42, 87, etc. and N can be represented by 0, 4, 89, etc. Similarly, you have to identify the set for the word checked. G-E-C-T. ठीक, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले रो से लेना है, देन आफ्टर आपको कॉलम से लेना है, उसके पास से आपको जेक्ट का निकालना है। गाइस, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, आप हमेशा क्या करते हो, इसको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हो। अगर हम रो की बात करते हैं तो ये होता है आपका रो, और जब आप इधर से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये होता है आपका कॉलम। तो आप चलिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है 42, 01, 88 एंड 21। तो चलिए 42 देखते हैं, इधर से 4 एंड इधर से 2, तो क्या आ गया आपका जे। 01, तो 0 इधर से 1 यहाँ से, तो आ गया आपका ई। देन आफ्टर आपको दिया हुआ 88, तो आप 8 यहाँ से लेंगे और 8 यहाँ से लेंगे, तो आपका आ गया टी। गाइस, यहाँ पे आपको चाहिए था क्या, सी। यहाँ पे आप अपने डाउट पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है आपको सी, और यहाँ पे आपको मिल गया टी, तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। मूव कर जाइए ऑप्शन नंबर बी पे, मूव कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। अब जब ड्रॉ करिए तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है 87, 21, 02 एंड देन अगेन 02। अब चलिए देखिए, यहाँ पे 0 to 0 2 वैसे आपको एक बार में एक साथ ही देख दिया, इसका मतलब ही आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो 0 to 0 2 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 02 पे आएगा आपका टी, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे टी और टी। टी टी आपको चाहिए नहीं, इसलिए आपको ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आप मूव कर जाइए ऑप्शन नंबर सी पे। अगर हम सी की बात करते हैं तो सी में हमें दिया हुआ 42, 86, 13 एंड 68। चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो 42 की अगर हम बात करें तो यहाँ से 4 इधर से 2 जे आ गया। 86, 8 यहाँ से आपका है और 6 आपका कहाँ से हो जाएगा, इधर से, तो आपका आ गया ई। चलिए ये आपने लिख दिया। 13, 1 एंड 3, 1 यहाँ से एंड 3 आपका यहाँ से, तो आपके आ गया सी। फिर बात करते हैं 68 की, तो 6 यहाँ से और टी यहाँ से, 8 यहाँ से, तो आपका आ गया टी। अब आप देखिए आपका आंसर आ गया जे ई सी टी। आपको क्वेश्चन में डिमांड क्या थी, जे ई सी टी, मतलब क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको एग्जैक्टली आंसर मिल चुका है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।